आस जो तुझसे लगी है
प्यारों की दस्ते
अपने इशारे से उससे अपनी बात पूरी करवाएं, तो फिर
वो नाउस बिल्ला जो हुजूर की बारगाह में तरह तरह की गलतियां क्या कहूंगी गुनाह करते हैं, तो उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? हुजूर अगर हुजूर के इशारे की देर तो फिर हम क्या चीज है? तो ये सोचना चाहिए कि हम हुजूर जैसे नहीं हो सकते, ना ही हुजूर की बारगाह में इस तरह की कोई बात करनी चाहिए। और अल्लाह के हबीब हैं और हम उनके उम्मती हैं, तो जर्रात में भी नहीं आते। तो फ़ज़ा में उड़ने वाली हूँ ना इत्तला-ए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा-ए-रवा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा-ए-रवा कर दे। नबी मुख्तार खुल गए जिसको जो चाहे अता कर दे, पर नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो मान पर पिता कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो तमन्ना
जामे कौसर दे लबे अक्दस लगा कर दे जब आका जामे कौसर दे लबे अक्दस लगा कर दे नबी मुख्तार खुल गए जिसको जो चाहे अता कर दे उन्हें तैयार दिया गया वो जो
को तोड़ दे। और पहले मैं मक्ता पेश करूंगी और मक्ते के बाद वो शेर पेश करूंगी जो इस पूरे कलाम का निचोड़ है। ये कलाम जिसलिए लिखा गया लोगों के यकीन को बढ़ाने के लिए ये कलाम लिखा गया है, और इसका मक्ता पहले पेश करने के बाद वो शेर मैं बाद में पढ़ूंगी। कि लिखो नाज़िश उनका ये मोजिज़ा कि किसी की आँख निकल गई। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा उहद के वक्त तीर लग जाने से आँख बाहर लटक गई, तो सहाबे दूसरे सहाबे किराम ने कहा कि इसे तलवार से रख कर देते हैं, तकलीफ पड़ जाएगी आपकी। लोग कहते हैं सहाबे किराम ने जो किया है वो ही करना चाहिए। तो ये सहाबी रसूल का आप यकीन यहाँ देखिए, किसी तबीब के पास जाना चाहिए था, डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, फरमाया मुझे हुजूर के पास ले चलो। क्यों पता है ना, रहमतुल्लिल आलमीन है, आका है, यकीन के साथ हुजूर के पास तशरीफ ले गए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब पाक उनकी आंख में लगाया और उस आंख को जोड़ दिया। सुभान अल्लाह। और रिवायत में आता है कि वो आंख ऐसी जुड़ी, अगर आप यहाँ पे किसी किस्म की कोई तकलीफ में आ जाए, आप अपनी आंख का ऑपरेशन करवा लें तो वो आंख बंद हो जाती है, डिफेक्ट रह जाता है। लेकिन रिवायत बताती है कि वो आंख दूसरी आंख से ज्यादा रोशन रही पूरी जिंदगी। लुआबे पाक किसका था? तो शायर ने उस मोजिज़े को यहाँ पे बयान किया। आपने सहाबा किराम के यकीन को भी देखा इस मोजिज़े के साथ। हमारी जिंदगियों में सहाबा किराम का जो रोल है वो बेशक बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा उसे नहीं पता कि वो कितनी मोहब्बत करते थे। असल आशिक तो वो थे, उनका इश्क तो कैसा होगा जो सामने देखते होंगे रोजाना। तो आप उनके इश्क को समझिए, उनके यकीन को समझिए। जो लोग कहते हैं ना कि सहाबा इकराम ने जो किया वो करो, तो फिर उनको असल में पढ़ना चाहिए, उनके पास इल्म ही नहीं है। तो लिखो नाज़िश उनका ये मोजिज़ा कि किसी की आँख निकल गई, वो लुआबे पाक से जोड़ दे। लम्हा लम्हा मुझ पर नबी की अता
से क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। Oh.
मुजागे दे खुदा ने